और भी लाइव शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है बीए पार्ट वन की स्टोरी के हवाले से है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है और इसमें बेशुमार टेक्निक्स हैं। जब हमारे बच्चे इस तरह की कहानियों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो मैं नहीं मानता कि वो इस तरह की चंद स्टोरियों को प्रैक्टिस करने के बाद एक अच्छे ट्रांसलेटर ना बने। जिस स्टूडेंट को इस तरह के पैसेज को ट्रांसलेट करना आ जाए वो किसी भी टॉपिक पर लिख सकता है और बोल सकता है। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी स्टोरी का। सबसे पहले देखें, हेमिंगवे ने इस कहानी द किलर को एक खूबसूरत और किकर पसंदाना अंदाज में लिखा है। सबसे पहले हमने देखना होता है ज़माना कौन सा है। पे फिक्र ख़त्म हुआ है, ज़माना प्रेजेंट है और प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है। प्रेजेंट परफेक्ट है और सबसे पहले जब हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट है तो फार्मूला देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला सब्जेक्ट हैज ए वर्क विद सेट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इन तीन नंबर्स को पहले कंप्लीट करेंगे फिर इजाफी चीज़ को बाद में। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हेमिंगवे, हेमिंगवे हैज रिटन, हेमिंगवे हैज रिटन, हेमिंगवे ने लिखा है। किसको लिखा है इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? कहानी द किलर को, इस कहानी द किलर को, दिस स्टोरी द किलर। हेमिंगवे हैज रिटन दिस स्टोरी द किलर, हेमिंगवे ने इस कहानी द किलर को लिखा है। अब इजाफी चीज़ क्या आई? एक खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में, इन अ ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक वे, इन अ ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक वे। ये वो चीज़ होती है जो फार्मेशन, जो फार्मूला होता है उसके बाद जो इजाफी चीज़ होती है और तब ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये कहानी दो पेशावर कातलों और एक रिटायर्ड बॉक्सर ऑल एंडरसन के मुतवक्का कत्ल के बारे में है। ये भी सादा फिक्र है, जमाना प्रेजेंट अब वर्ब नहीं है इसलिए सादा, सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये कहानी। दिस स्टोरी इज अबाउट, किसके बारे में है? दो पेशावर कातलों एक रिटायर्ड बॉक्सर और उनके मुतवक्का कत्ल के बारे में, मुतवक्का कत्ल के बारे में। दिस स्टोरी इज अबाउट एन एक्सपेक्टेड मर्डर, दिस स्टोरी इज अबाउट एन एक्सपेक्टेड मर्डर, एक मुतवक्का कत्ल के बारे में। किन के? अब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ओवर आ जाए तो पहले पहले को पकड़ेंगे। एन एक्सपेक्टेड मर्डर ऑफ टू प्रोफेशनल किलर्स, टू प्रोफेशनल किलर्स एंड अ रिटायर्ड बॉक्सर ऑल एंडरसन, एंड अ रिटायर्ड बॉक्सर ऑल एंडरसन। मजीद अंग्रेजी हमारे नोट्स में लिखी हुई है। यहाँ पर तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को मेकिंग सेंटेंस के बारे में अवेयरनेस हो और स्पेलिंग वाला जो भी है वो आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं। ये कहानी एक रेस्टोरेंट के बारे में है, सादा विकरा। दिस स्टोरी इज अबाउट अ रेस्टोरेंट जिसे हेनरी का लंच रूम कहा जाता है। ये है टेक्निकल पॉइंट, चलते हुए फिक्रे में अगर जिसे का लफ्ज आ जाए और जिसे वाला ऐसा पैसिव वॉइस में हो तो ना जिसे की इंग्लिश करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या है? जिसे हेनरी का लंच रूम कहा जाता है, जिसे कोई जिस फिक्रे में किसी को कोई नाम दिया जाए तो उसके लिए नाम देने के लिए हम नेम का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, कार्ड भी, जिसे हेनरी का लंच रूम कहा जाता है, कार्ड हेनरी लंच रूम, और जिसे हेनरी लंच रूम का नाम दिया जाता है नेम्ड हेनरी लंच रूम। आपकी मर्जी है नेम्ड लगाए या कार्ड, तो कार्ड हेनरी लंच रूम जिसे हेनरी लंच रूम कहा जाता है। हेनरी का लंच रूम अमरीकी रियासत के एक कस्बे में वाकया होता है। हेनरी का लंच रूम वाकया होता है, सादा फिक्र है। हेनरीज लंच रूम इज सिचुएटेड, जब भी वाकया होने का लफ्ज आएगा पैसिव वॉइस होगा, वाकया है या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस था तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की बात हो रही है यहाँ पर। हेनरी लंच रूम इज सिचुएटेड, कहाँ पर वाकया होता है? अमरीकी रियासत के एक कस्बे में, इना एक छोटे से कस्बे में, इन अ स्मॉल टाउन ऑफ एन अमेरिकन स्टेट, इन अ स्मॉल टाउन ऑफ एन अमेरिकन स्टेट जिसका नाम सुमित होता है, जिसका नाम सुमित होता है, नेम्ड थर्ड फॉर्म नेम्ड समिट या कार्ड समिट या नेम्ड समिट, ये मुकम्मल नज़्म ज़ब्त रखता है। यूज अ हैज का, इट हैज अ कंप्लीट डिसिप्लिन, इट हैज अ कंप्लीट डिसिप्लिन, ये मुकम्मल नज़्म ज़ब्त रखता है। लेकिन कातलों और जनाब पेशा लोगों के लिए ये एक पसंदीदा जगह होती है, ये भी सादा फिक्र है। बट
ये पसंदीदा जगह होती है, इसमें सब जगह ये, बट इट इज अ फेवरेट प्लेस, बट इट इज अ फेवरेट प्लेस, लेकिन ये पसंदीदा जगह होती है किन के लिए? कातलों और जराम पेशा लोगों के लिए, फॉर द किलर्स एंड क्रिमिनल्स। एक शाम दो कातल ऑल और मैक्स हैनी लंच रूम में दाखिल होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। वन इवनिंग टू किलर्स ऑल एंड मैक्स, वन इवनिंग टू किलर्स ऑल एंड मैक्स एंटर, दाखिल होते हैं कहाँ? हैनी के लंच रूम में। आम स्टूडेंट कन्फ्यूज है, में एंटर के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। एंटर द हेनरीज लंच रूम, एंटर द हेनरीज लंच रूम, हेनरी के लंच रूम में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे एक जैसे नहीं होते, सादा विक्रय, देयर फेसेस आर नॉट सेम, मगर या लेकिन वो एक जैसे लिबास में जुड़वा भाइयों की तरह नजर आते हैं, लेकिन वह जुड़वा भाइयों की तरह नजर आते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, बट दे लुक लाइक ट्विन, जुड़वा भाइयों की तरह ट्विन, बट दे लुक लाइक ट्विन, लेकिन वह जुड़वा भाइयों की तरह नजर आते हैं एक जैसे लिबास में, इन देयर सेम ड्रेस, इन देयर सेम ड्रेस। उन्होंने तंग ओवर कोट पहने हुए होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू का फिक्र है। दे आर वियरिंग टाइट ओवर कोट्स, दे आर वियरिंग टाइट ओवर कोट्स। वो वेटर जॉर्ज को हुक्म देते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। दे ऑर्डर द वेटर जॉर्ज। अब इसमें फिर टेक्निकल पॉइंट, जिस फिक्र में हुक्म देने का लफ्ज आ जाए तो उसका भी सेकेंड पार्ट हमेशा टू से शुरू होता है। दे ऑर्डर द वेटर जॉर्ज, वो वेटर जॉर्ज को हुक्म देते हैं कि उनको भारी खाना दिया जाए, कि उनको, कि वो उनको भारी खाना दे। टू सर्व देम, टू सर्व देम, कि वो विद हैवी फूड, और सर्व के साथ प्रोपोजिशन आएगी विद, टू सर्व देम, कि वो उनको भारी खाना दिए, कि वो उनको भारी खाना दे, टू सर्व देम विद हैवी फूड। लेकिन वेटर जॉर्ज ऐसा करने से इनकार कर देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। बट द वेटर जॉर्ज रिफ्यूजेज टू डू सो, रिफ्यूजेज, रिफ्यूज के बाद जब भी नेक्स्ट वर्ब आएगा तो वो टू से शुरू होगा, रिफ्यूजेज टू डू सो, ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर, ऑन दिस, इस पर दोनों कातल नाराज हो जाते हैं। बोथ द किलर, दोनों कातल, बोथ द किलर्स गेट एंग्री, नाराज होना, गेट एंग्री नाराज हो जाते हैं। ताहम उन्हें हल्की फुल्की गजा खाना पड़ती है। हाउएवर, ताहम ये यूज हैज टू, हैव टू का, जब कोई काम मजबूरन करना पड़े उसमें हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बच्चों को इम्तहान पास करना पड़ता है, द चिल्ड्रन हैव टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये देखें, हाउएवर दे हैव टू टेक लाइट, हल्की फुल्की लाइट फूड, उन्हें हल्की फुल्की गजा खाना पड़ती है, यानी के डेट इज सुअर का गोश्त, हैम एंड एग सैंडविच, सुअर गोश्त, हैम एंड एग सैंडविच। ये जो है, ये जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट अगर आप बिल्कुल बगैर किसी मिस्टेक के कर लेंगे तो फिर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी जो लास्ट पार्ट है वो हमारे नोट्स में आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रखो, जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स सिर्फ इस स्टोरी में नहीं है, ये बार बार रिपीट होती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे, इंशाल्लाह इस तरह की कोई भी कहानी एक दफ़ा जो आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, कभी भी लाइफ में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। फिर जब हम जैसे कहते हैं कि हमारे नोट्स के साथ बी ए विद इन टू डे यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, आप कभी ख्वाबों में भी ना सोचिए आप फेल हो सकते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ किया करें कि हमारा जो लेक्चर है ये डाउनलोड करने की बजाय ऑनलाइन ही इसको वॉच किया करें। तो जैसे जैसे हमारे व्यूअर बनेंगे, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, हमने अल्लाह से दुआ मांगी हुई है कि हमारी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा जो है हम चाहते हैं अपने नौजवान नस्ल के लिए रखें और उनकी ज़िंदगी में उनको खुशियां वापस ला के दें। जिस कदर वो हमारे नौजवान आजकल डिप्रेशन का शिकार हैं,
क्योंकि उन्हें कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही। उनको सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है, उनको नॉलेज देने की बजाय रट्टा दिया जा रहा है, रट्टे में उनको कोई बेनिफिट नहीं है। फिर उसके बाद जब वो डिग्रियाँ लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनको नज़र ही कुछ नहीं आता, चूँकि नॉलेज तो होता नहीं है। तो हम चाहते हैं, दूसरी बात, आखिरी बात, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो मुखलिस हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। और जिस तरह आज हमारा मुल्क जो है बेशुमार मसाइल में गिरा हुआ है, वो आज अगर एक प्लेटफॉर्म पर आए, ईमानदारी से मेहनत करें, ज़िंदगी जब 50 को बंदा क्रॉस करता है तो फिर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो ये सोच लेंगे कि हमने वो लोग जो बेचारे डिप्रेशन का शिकार हैं, वो नौजवान जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको हमने एक नई मंजिल देनी है, उन्होंने हमें संभालना है, तो अल्लाह की दात उम्र में भी आपको बेनिफिट देगी और आपके मज़ीद जो मसाइल होंगे वो हल करेगी। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे हर हवाले से अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।